Hey guys, welcome back to my channel Indu's Life Corner. आज मैं आपके साथ ये क्रिसमस मेकअप लुक लेकर आई हूँ गाइज. आई होप आपको पसंद आएगा. अगर आपको ये पसंद आए वीडियो और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा. तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज हम सबसे पहले अपने आई मेकअप स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ मेबेलिन फिट मी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ एज अ आई शेडो बेस. और अब मैं निकाल के की पैलेट से ये डार्क प्लम शेड पिक करूँगी और अपनी लिड पे अप्लाई करूँगी क्रीज पे. मैं जस्ट अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड नहीं कर रही हूँ. अब मैं सेम पैलेट से लाइट पिंक शेड पिक करूँगी फ्लफी ब्रश की हेल्प से और उसे अपना जो डार्क शेड था उसे ब्लेंड करते हुए अपनी क्रीज एरिया पे अप्लाई करूँगी जिससे कि सब कुछ ब्लेंडेबल दिखे, कुछ भी हार्श ना दिखे. अब मैं हिलेरी रोडा की पैलेट से ये शिमरी रेड शेड पिक करूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से और अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी. फिंगर की हेल्प से शिमरी शेड का जो पिगमेंटेशन होता है वो काफ़ी अच्छा आता है गाइस, आप देख सकते हैं. अब हम अपना फेस मेकअप स्टार्ट करेंगे. मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का ड्यूई फिनिश प्राइमर अप्लाई करूँगी. ये एक टिंटेड और हल्की सी शीन वाला प्राइमर है. ये आपके फेस को ग्लोई बनाता है. अब मैं यहाँ ओलिविया की पेन स्टिक अप्लाई करूँगी और एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं यहाँ अगेन फिट मी कंसीलर लूँगी अपना मेबलिन का और एज यूजल पॉइंट पे अप्लाई करूँगी. मैं सेम ब्रश की हेल्प से अपने कंसीलर को भी ब्लेंड कर लूँगी गाइस. अब मैं यहाँ अपने कंसीलर को लैक्मे कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लूँगी और अपने पूरे फेस को भी सेट कर लूँगी. अब मैं यहाँ स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर स्टिक लूँगी और अपने ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, हॉलो ऑफ द चीक्स पे अप्लाई करूँगी. और ये एक पिंक हाइलाइटर है. अब मैं सेम निका के का पैलेट से लाइट पिंक शेड पिक करूँगी और उसे एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी अपने चीक्स पे. आज मैं अपने फेस को कॉन्ट्रोल नहीं करूँगी गाइस. अब मैं सेम स्टिक हाइलाइटर स्टिक की हेल्प से अपने ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूँगी. अब मैं अपने ब्राउज को फिल करूँगी. ये नायका का आईब्रो पेंसिल है और ये काफ़ी क्रीमी है, बहुत अच्छा वाला पेंसिल है गाइज, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा. अब मैं अपनी लोअर और अपर वाटर लाइन पे स्टिक उर्की का काजल अप्लाई करूँगी. ये स्मच फ्री काजल है. अब मैं यहाँ पे नायका का जेल काजल लूँगी इन द शेड ग्रीन और उसे अपनी लोअर लैश लाइन पे और अपर लैश लाइन पे एज अ लाइनर अप्लाई करूँगी. यहाँ पे मैंने वेट एंड वाइल्ड का ग्लिटरी आई शेडो लिया है और उसे अपने आई लाइनर पे अप्लाई किया है. यहाँ पे मैंने नायका का लिपस्टिक अप्लाई किया है. लैशेज मैंने ऑफ कैमरा अप्लाई कर ली थी. तो ये है मेरा फाइनल एंड फिनिश लुक गाइस. आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा. और भी ऐसे वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.